सब्र कर बंदे, ये दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ यादवेंद्र यादव, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इन उतार चढ़ाव से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये कठिनाइयाँ, ये मुसीबतें और ये परिस्थितियाँ ही आपके अंदर टटोलने आती हैं कि आप सक्सेस को लेकर कितने सीरियस हैं, आपको सक्सेस की कितनी भूख है। डियर स्टूडेंट्स, 2021 के एसएससी जीडी में आए हुए दो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं उन क्वेश्चंस को आपको करवाना चाहता हूँ और इन क्वेश्चंस को हम बड़े ही आसानी से, बेहद आसान तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है और चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले होंगे। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं बेटा कि जो चुनाव होता है, चुनाव में जो वोट पड़ते हैं, तो वो वोट अपने आप का 100% पड़ता है। कितना पड़ता है? 100% अपने आप का पड़ता है। तो वोट जब पड़ा होगा तो वो पड़ा होगा मेरे बेटे 100% वोट पड़ा होगा। अब बोल रहा है कि चुनाव हुए और चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। इसका मतलब कि जो हारने वाला उम्मीदवार होगा, लूजर होगा, लूजर को पक्का 35% वोट मिला होगा। कितना? 35%। अगर लूजर को 35% वोट मिला होगा तो पक्का विनर को 65% मिला होगा। पक्का विनर को कितना मिला होगा? 65% वोट मिला होगा। जी बच्चे जी, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है सर? तो लूजर को 35% वोट मिला, तो पक्का 100 में से विनर को 65% वोट मिला होगा। लेकिन 35% मत प्राप्त करने के बाद एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, इसका मतलब है कि सर, अगर उसके 65% वोट उसको मिलता तो वो जीत जाता। उसको मिले हैं 35%, तो इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि उसको 30% वोट और मिल जाता तो वो पक्का जीत जाता सर, है ना सर? बिल्कुल जीत जाता। अगर उसको 30% मत और मिल जाते तो वो पक्का जीत जाता। इसका मतलब इन 30% की वैल्यू कहीं ना कहीं 15,000 है। जी बच्चा बिल्कुल, 15,000 है। 30% की वैल्यू कितनी है? 15,000 है। 15,000 तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 1% की वैल्यू हो जाएगी 15,000 अपॉन 30, जीरो से जीरो काट दो, इसको उड़ा दिया तो हो जाएगा बच्चा 500। 1% की वैल्यू हो गई 500। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 65%। तो ये पूछा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा, तो सर 1% की वैल्यू अगर 500 है तो 65% की वैल्यू, यानी कि विनर को कुल वोट कितने मिले होंगे? विनर को कुल वोट मिला होगा 65 × 500। इसका मतलब है सर, जब हम इसको करेंगे तो 32,500 वोट्स विनर को मिले होंगे और यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से कुछ चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ एसएससी जीडी में देखने को मिला था 2021 के एग्जाम में। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। कोई परीक्षा है तो परीक्षा में 100% का पूर्णांक होता है, तो किसी परीक्षा में 33% अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए? 33% अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। तो एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से वो परीक्षा फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कितना अंक प्राप्त किया? 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंक से फेल हो गया। हम इमेजिन कर लें एक बार कि अगर उसको 11 नंबर और मिल जाते, यानी कि 220 में अगर उस बेचारे को 11 नंबर और मिल जाते तो वो जीत जाता, तो और उसके नंबर हो जाते 231। पक्का उसके नंबर हो जाते 231, जो कि 33% के बराबर है। यानी कि 33% अगर उसको मिले और मान ले कि 11 नंबर और मिल जाते तो नंबर्स में उसको 231 नंबर मिलते और परसेंटेज में 33% मिलता, यानी कि 33% बराबर
231 के होगा, 33% बराबर 231 के होगा, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1% की वैल्यू हो जाएगी 231 और बटे में 33। लेकिन सर हमें तो चाहिए पूर्णांक, है ना, हमें क्या चाहिए बच्चा, पूर्णांक चाहिए। तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक अपने आप का 100 होता है। तो सर 1% की वैल्यू अगर 231 बटे 33 है और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, 100 की वैल्यू चाहिए। इसको काट दोगे बेटा 7 बार जाएगा और इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो 700 आ जाएगा, यानी कि इसका पूर्णांक कितना रहा होगा, इसका पूर्णांक परीक्षा में कितना रहा होगा, 700 रहा होगा, और यही हमारा राइट आंसर है। तो बच्चे ये दो क्वेश्चन थे जो SSC GD 2021 में पूछे गए, वो मैंने आपको बताया इलेक्शन से संबंधित था और एक आपकी परीक्षा से संबंधित था। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि ये एक ट्रेलर के रूप में मैंने आपको दिया है 5-6 मिनट का वीडियो। अब इसके बाद में मैं धीरे 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 करके आपको, आप कमेंट करते चले जाएंगे कि किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए और उसी टॉपिक का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करना शुरू करूँगा। मैं कुछ 2-4-5 वीडियोस बनाऊंगा, जैसे चुनाव से संबंधित, फिर मैं कुछ बना दूंगा ठेकेदारों से संबंधित, फिर मैं कुछ बना दूंगा कि जब खपत बढ़ती है तो मूल्य बढ़ेगा खपत घटेगी, इस तरीके से कुछ परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, हम रेलगाड़ी पर भी चर्चा करेंगे और हम मिक्सचर एंड इरीगेशन पर भी चर्चा करेंगे, हम बेईमान दूध वाले को भी पकड़ेंगे, सब कुछ करने वाले हैं हम इस मैथ के सेशन में। अब आज के बाद आपको धीरे धीरे करके एक एक सीरीज मिलेगी और उस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करके किस चीज़ को देखते हुए चले जाएंगे। तो बेटा इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और याद रहे बच्चा क्वेश्चंस सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही होगा और क्वेश्चन वो होगा जिसकी कुछ वैल्यू होगी, जिसकी कुछ अहमियत होगी। क्वेश्चन बोलेगा स्टूडेंट से कि दम है तो मुझे करके दिखा, और हम लोग उसको करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे। तो ये थे 2 क्वेश्चंस, आप परेशान मत हो, गणित में आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। यूपी पुलिस का बहुत जल्दी फॉर्म रिलीज होने वाले हैं आफ्टर अप्रैल में भी, तो बहुत जल्द आने वाला है यूपी पुलिस, और UPSI भी आएगा, दिल्ली पुलिस भी आएगा, धीरे धीरे करके बैक टू बैक सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।